connected in a position as shown. Cell E1 is of 8 volt and 2 ohm impedance. ठीक है, दो सेल्स हैं जिसमें कि सेल E1 जो है उसका EMF आपको दिया है 8 वोल्ट. 8 वोल्ट इसका EMF है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना दिया आपको 2 ओम. के बाद द सेल E2 इज ऑफ 2 वोल्ट, इसका EMF कितना दिया है 2 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है आपको यहाँ पर 4 ओम. आपको बताना है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो आपको बताना है. सबसे पहले इसमें हम करंट निकाल देते हैं. तो देखिए E1 का EMF ज्यादा है E2 से, तो EMF E1 का ज्यादा है E2 से, तो इसका मतलब है कि E1 के डायरेक्शन E1 जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाहेगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. तो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट विल फ्लो. तो इसको करंट को मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट जो है देखिए घूम फिर के E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा. ध्यान दीजिए कि करंट E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा लेकिन E2 के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है, E1 से बाहर जा रहा है. E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट और E2 के पॉजिटिव एंटर हो रहा है, दिस इज द डिफरेंस. तो इसका मतलब है कि हम दोनों की पोलैरिटी को जो लेंगे वो अपोजिट लेंगे, दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं ली जाएगी. एक की अगर पॉजिटिव लेना है आपको तो दूसरे की नेगेटिव लिया जाएगा. दूसरी बात, ये जो अरेंजमेंट है दोनों सेल्स का आपको सीरीज में लेना है या पैरेलल में. देखिए आपको पैरेलल में लगे या दिखने से जो भी लगे उसमें मत जाइए, कंसेप्ट के ऊपर जाइए. कंसेप्ट ये होता है कि जब भी करंट सेम होता है सीरीज में लेंगे और इक्विवेलेंट जो होता है उस केस में E1 प्लस E2 लेना होगा. तो आपको E1 प्लस E2 लेना होगा लेकिन विद अपोजिट पोलैरिटी जब आप लेंगे तो इक्विवेलेंट जो EMF होगा प्लस 8 ले लीजिए और माइनस 2 वोल्ट. ये हो गया बच्चों आपका नेट EMF, दिस मच वोल्ट. अब आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए सर्किट में, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए. अब देखिए आपने दोनों को सीरीज में लिया है तो R इक्विवेलेंट क्या लेंगे, R1 प्लस R2, 2 प्लस 4. क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज है, करंट जो है इज सेम इन बोथ सेल्स, है ना, दोनों बैटरी के में करंट सेम है और दैट्स व्हाई आपको सीरीज कंसीडर करना है ना कि पैरेलल में कंसीडर करना है. ये करंट कितना हो जाएगा 6/6, इट इज 1 एम्पियर. तो कुल मिला के इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. अब देखिए आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस पूछा है, E2. और E2 में देखिए ध्यान दीजिए, E2 को अलग से बना लेते हैं. E2 में करंट एंटर कर रहा है कितने का, तो 1 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है. इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है तो 4 ओम का. देखिए जब भी किसी सेल के अंदर करंट एंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं E2 में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, इस केस में टर्मिनल का जो पोटेंस आता है वो आपको लेना होता है E प्लस आई आर. और E कितना है इसका EMF, इस E2 का E2 इज 2 वोल्ट प्लस आई इज 1 और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4, ये हो जाएगा 6 वोल्ट. आंसर इज 6 वोल्ट.